हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू एंड ए पार्ट 3। 365 के राउंड क्वेश्चंस आ गए थे उस टाइम लिमिट के अंदर जो टाइम लिमिट हमने आपको दी थी। बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर थे, तो जितने भी क्वेश्चंस सिमिलर थे उन सबको मैंने एक ही क्वेश्चन बना के उसको एक ही आंसर में कवर करने की कोशिश करूंगी। आई होप मैं सबको रिप्लाई कर पाई हूँ, पर जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो मेरी क्वालिफिकेशन मैंने सिंपली बीए की है, बैचलर इन आर्ट्स, लेकिन नॉलेज किसी भी डिग्री की मोहताज नहीं होती। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखती हूँ मैं, और अपनी नॉलेज का दायरा आप चाहें तो कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो बात करूँ मैं अपने हस्बैंड की, तो वो एक बिजनेसमैन है, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये घर हमारा अपना है या फिर रेंटल है। नहीं, ये घर हमारा अपना ही है। 5 साल पहले हमने इसे बाय किया था, उससे पहले हम रेंट पे रहते थे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ कि मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो शादी के बाद मैंने वेस्टर्न पहनना कब शुरू किया था। तो शादी के 1 साल बाद मैंने वेस्टर्न पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि मैं वेस्टर्न पहनूँ और मैं भी चाहती थी। आई डोंट थिंक कि किसी को इतना बुरा लगा होगा, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। अगर बुरा लगा भी होगा तो शायद मैंने उस बारे में सोचा नहीं होगा, क्योंकि किसी ने इतना ऑब्जेक्शन दिखाया नहीं, और मैंने भी इस चीज़ की केयर नहीं की, क्योंकि मुझे इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं लगती। वैसे भी जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तभी बदलाव आता है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी थे कि क्या मुझे रिग्रेट होता है कभी कि मैंने जॉब नहीं की, या बीइंग अ हाउसवाइफ मैं खुश हूँ या नहीं। सो मेरा सोचना ये है कि एक टाइम के बाद किसी भी चीज़ का रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप टाइम रहते वो काम कर लें। इसीलिए जब भी जो भी मेरा करने का मन करता है मैं वो कर लेती हूँ, और बीइंग अ हाउसवाइफ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का ही डिसीज़न था कि मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ। सो जॉब को चूज़ ना करके मैंने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया। सो यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और आई एम हैप्पी विद दैट। अब सवाल ये भी आता है, कुछ वर्किंग वूमेन जानना चाहती हैं कि क्या वो जॉब करते हुए अपने बच्चों के साथ वैसा बॉन्ड बना सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं बना सकती। हाँ, ये बात डिफरेंट है कि आप जॉब करते हैं तो आपके वर्किंग प्लेस पे कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा वर्कलोड है आपके ऊपर, बर्डन कितना ज़्यादा है, कितनी स्ट्रेस में रहती हैं, और वो स्ट्रेस आप घर पे लेके आती हैं या नहीं। मेरा ये मानना है कि आप कहीं भी काम करती हैं, अगर वो स्ट्रेस को आप वहीं पे छोड़ के आती हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। गुड मूड के साथ आप घर में एंटर करें, सब कुछ भूल के एटलीस्ट वो पहला कुछ टाइम अपने बच्चों को ज़रूर दें, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिना सिर पैर की उनकी बातों में बहुत इंटरेस्ट दिखाएं, ताकि उन्हें भी मज़ा आए आपके साथ बातें करने में। और वैसे भी आज बच्चों को हमारा टाइम चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चों का टाइम हमें चाहिए होगा, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आज हम उन्हें टाइम देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट आप बच्चों के साथ बना सकते हैं वीकेंड्स पे, उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, उनके साथ गेम्स खेलें, उनके जैसा बन जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने मुझे पूछा था कि मेरा बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उदय के केस में भी सेम ही चीज़ थी। उदय, मुझे लगता था कि वो बहुत ही स्लो लर्नर है। एक तो वो लेफ्ट हैंडेड है, सेकेंडली जब भी वो काम करता था तो कुछ सेकंड्स के लिए भी उसका फोकस उसके काम पे नहीं होता था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता था वो। तो मैं इस चीज़ की काफ़ी चिंता करती थी, तो मैंने जाके चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात की। जब मैंने डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हर बच्चे की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है जो एक टाइम के बाद उभर के सामने आती है। तो कभी भी अपने बच्चे को उसके सामने स्लो लर्नर ना कहें, और ना ही इस बारे में बार बार किसी दूसरे के साथ डिस्कस करें, नहीं तो आपका बच्चा खुद को स्लो लर्नर मानना शुरू कर देगा और कल को कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करेगा, कि उसे लगेगा कि मेरे में ये प्रॉब्लम है इसीलिए मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और काम शुरू होने से पहले ही वो गिवअप कर देगा। तो आपका उसको बार बार स्लो लर्नर कहना कहीं ना कहीं उसे कुछ ना करने का मैसेज देगा। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मेरे दोनों बच्चों यानी कि जैस्मिन और उदय में से कौन सबसे ज़्यादा नॉटी है, तो आपको क्या लगता है। अगर बात करूँ बचपन की, तो बचपन में जैस्मिन पूरी तूफान मेल थी। मैं आज सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि मैंने उसे कैसे संभाला होगा, इतनी ज़्यादा शरारती अपने घर में कम और पड़ोसियों के घर में ज़्यादा पाई जाती थी।
तो अगर उदय की बात करूं तो बहुत ही डरपोक सा, कंफ्यूजिंग सा और रोंदू सा बच्चा था। हमेशा मेरा पल्लू पकड़ के चलता था, 24 घंटे मम्मा चाहिए उसको, मम्मा ज़रा भी आंखों से कहीं दूर गई तो रोना स्टार्ट। हमेशा सोचती थी ये अपनी लाइफ में क्या करेगा, ये कितना रोता रहता है। लेकिन आज दोनों की पर्सनैलिटीज़ टोटली डिफरेंट हैं। जैस्मिन बहुत मेच्योर है, बहुत ही इमोशनल भी है और बहुत ही इनोसेंट भी। और उदय की बात करूं तो वो बहुत नॉटी निकला है, बहुत शरारती है, डांटने भी नहीं देता मुझे, डांट उसे पड़ती है मुझसे। और जैसे ही मैं उसे डांटना शुरू करती हूँ, मुझे टाइट हग करता है और कहता है मम्मा आई लव यू, आई लव यू, मम्मा स्ट्रेस मत लो, कूल डाउन कूल डाउन, क्या करना है बताओ, मैं रूम क्लीन कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, बताओ, पर आप स्ट्रेस मत लो। तो जब बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है आपकी डांट पे, तो आप उसे कैसे डांटोगे। बस दोनों बच्चों में यही डिफरेंस है। और टच वुड, दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जाए, ये भी क्वेश्चन था। तो बच्चे नॉटी ही अच्छे लगते हैं, आप उनको अपने जैसा नहीं बना सकते। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी अच्छे नहीं लगते हैं, वेल मैनर्ड कि आप बोलें बैठ जाओ तो बैठ जाएं, आप बोलें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएं, नहीं, शरारतें करते हुए मेस फैलाते हुए ही अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा काम उनको करना आना चाहिए, बचपन से ही आदत लगाएं कि थोड़ा थोड़ा अपना काम वो करते हुए जाएं। बाकी रह गई बात ये कि बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, वो चीज़ गलत हो जाती है। और वो भी तभी होती है जब हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके बच्चे ने कोई डिमांड की है आपसे, पर कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चे ने कुछ बोला, कुछ डिमांड की, तो बिना सुने ही उसको नो बोल देंगे या फिर पूरी बात सुने बिना ही यस बोल देंगे। दोनों ही चीज़ें टोटली गलत हैं। आप कभी भी यस और नो बोलने से पहले सोचें। अगर आपने नो बोल दिया तो फिर बच्चा आपका कितना भी रोए, कितना भी ज़िद्द करे, कितना भी एग्रेशन क्यों ना दिखाए, फिर वो यस नहीं होगा। उसे पता चलना चाहिए कि नो का मतलब नो होता है। और अगर आपने यस बोल दिया तो फिर आप उस चीज़ से मुकरेंगे नहीं, कैसे भी करके आप उसकी वो विश पूरी करेंगे ही करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है, नो और यस का मतलब जानना, बचपन से ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये नहीं समझा पाए या अगर आपके बच्चे ये बात नहीं समझ पाए, तो इन फ्यूचर यानी कि टीन एज में आकर या उससे बड़े होके भी वो इस बात को कभी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और ज़िद्द करके अपनी हर चीज़ मनवाते रहेंगे। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन बच्चा वही होता है जो आपके इशारे को समझे, आपके यस और नो का मतलब समझे और आपकी बातों का रिगार्ड करे। बच्चों के साथ ज़्यादा रोक टोक ना करें, यानी कि उन्हें हर बात पे टोकते ना रहें, उन्हें गलत ना बोलते रहें। कई बार बच्चे छोटे होते हैं तो अपने खिलौनों के साथ कम खेलते हैं और घर के दूसरे सामान के साथ ज़्यादा खेलते हैं, तो उसके लिए भी उनको ज़्यादा टोकने रोकने की ज़रूरत नहीं होती कि वो मैस फैला देगा, यहाँ पे काम बढ़ा देगा, ये वो, उनको करने दें। जब तक आपको ये ना लगे कि कोई शार्प चीज़ के साथ खेल रहा है या खुद को हार्म कर लेगा या कोई ऐसी चीज़ का नुकसान कर देगा जो ज़्यादा महंगी है, क्योंकि हर बात पे टोका टाकी करने से बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं और डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। हाउ टू कीप इन लॉज हैप्पी, ये क्वेश्चन था कि इन लॉज को कैसे हैप्पी कर सकते हैं। किसी को भी, इन लॉज की बात नहीं करूँगी इसमें स्पेशली यहाँ पे, किसी को भी हैप्पी करने की कोशिश भी क्यों करनी है, आप मुझे बताएं। आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें, अपना एफर्ट अपने काम में लगाएं, जो काम भी आपको दिया गया है, जो काम आपके हिस्से में आता है, उस काम को करने में अपना एफर्ट लगाएं। आप दुनिया में किसी भी पर्सन को फुली सेटिस्फाई या फुली हैप्पी नहीं कर सकते। किसी ना किसी को कोई ना कोई शिकायत हमेशा आपसे रहेगी ही रहेगी। कि मुझे ये भी क्वेश्चंस थे कि हम कितना भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए, वो कभी हैप्पी होते ही नहीं है, उनको कुछ ना कुछ शिकायत रहती है और वो रहेगी ही। ये ह्यूमन मेंटेलिटी, ये ह्यूमन माइंड ऐसा ही है। कहावत है कि खोपड़ी उल्टी बनाई है भगवान ने इंसान की, तो वो कभी भी भरती नहीं है। आप कुछ भी कर लें तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि मुझे सबको हैप्पी करते हुए चलना है, नहीं होगा कोई भी। आप 100 चीज़ें सबके लिए करेंगे, अगर कोई एक चीज़ आप अपने लिए करते हैं और जो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो डेफिनेटली जो आपने 100 चीज़ें की हैं उन सब पे पानी फिर जाएगा, सब मिट्टी हो जाएंगी। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी को खुश करते हुए चलना है, अपनी ड्यूटी पूरी करें। That's it. आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आप खुद खुश होने चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कोई क्रिटिसाइज करता है ओके, कोई अप्रिशिएट करता है इट्स फाइन, ना ही ज्यादा खुश हो ना ही ज्यादा अपसेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करें। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स पे टाइम स्पेंड करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको मोटिवेशन कैसे दें। पहली बात तो ये है कि अगर आप उस चीज़ के लिए जो बच्चा करना नहीं चाहता उसको बार बार प्रेशराइज करेंगे, लाइक पढ़ाई, इतना इंटरेस्ट आजकल बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो खुद से पढ़ना चाहते हैं। आजकल सबके घरों में यही प्रॉब्लम चलती है कि हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अगर मैं बात करूँ अपने घर की, तो जैस्मिन का इंटरेस्ट पढ़ाई में है, उदय का इतना इंटरेस्ट
इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, लेकिन मैं उसे प्रेशराइज हर वक्त बोलती रहूँगी कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए आप प्रेशराइज करेंगे उस चीज़ से तो वैसे ही इंटरेस्ट कम हो जाता है. तो प्रेशराइज ना करें, मोटिवेट करें बाय द टाइम. एक टाइम टेबल उसका सेट करें. जब आप उसको ये बोलेंगे, जैसे मान लीजिए बच्चों का इंटरेस्ट आजकल गेम्स में है या वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या इंडोर गेम्स खेलना चाहते हैं, उस चीज़ को आप बिल्कुल उसकी लाइफ से हटा देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ पढ़े, कैसे पॉसिबल है? आप बताइए, जो काम आप करना चाहती हैं, आपको कोई बोले बिल्कुल इस काम को करना बंद कर दो और आप वो काम करो जो हम करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है. आप इंटरेस्ट से कभी कर ही नहीं पाओगे. टाइम दें. जो बच्चे कम पढ़ते हैं या पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत कम रखते हैं, उनके लिए स्पेशली ज़रूरी है कि टाइम स्लोली स्लोली उनके पढ़ाई के आवर्स बढ़ाएं. पहले बिल्कुल कम रखें, उनको आधा घंटा या एक घंटा बोलें कि आप पढ़ोगे और दो घंटे आप प्लेस्टेशन खेलोगे या आप टीवी देखोगे. जितना टाइम आप उनका इंक्रीज़ करोगे उन चीज़ों में जो वो करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनका माइंड फ्रेश होगा. उनको लगेगा कि हमारे पेरेंट्स जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारी उन एक्टिविटीज़ में जो हम करना चाहते हैं. आप उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लें, तभी वो करेंगे जो आप करवाना चाहते हैं. पढ़ाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों के लिए, मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ. एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हम बिल्कुल उनके प्लेस्टेशन, वीडियो गेम्स, टीवी देखना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बोलते हैं सिर्फ आप पढ़ाई करोगे और आप कुछ नहीं करोगे. लेकिन ऐसा करना मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं. तो जिस तरह से मैंने डील किया है मैंने ऐसे ही किया है. एग्ज़ाम्स के दिनों में भी मैं उसका प्लेस्टेशन उससे नहीं लेती हूँ. टाइम टेबल मैं बना के देती हूँ कि आपने इतने बजे से लेके इतने बजे तक अपने पढ़ाई करनी है, उसके बाद इतना टाइम आपका खेलने का होगा. उसमें आप चाहे फ़ोन पे गेम खेल सकते हैं, प्लेस्टेशन चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट माइंड को फ्रेश करने के लिए. मोस्टली कहा यह जाता है कि आप जब पढ़ रहे होते हो तो पढ़ाई के बाद आप वॉक करें या म्यूज़िक सुनें तो आपका माइंड फ्रेश होता है. लेकिन जो बच्चा नहीं चाहता वो करना, मैं उसे वो करने के लिए कहूँगी, उसका माइंड कहाँ फ्रेश होगा? उसका माइंड फ्रेश उसी चीज़ से होगा जो वो करना चाहता है, तो उसे वही करने दें. प्रेशर ना करें, मोटिवेट करें, गाइड करें. पढ़ाई की वैल्यू आप इस तरह से नहीं बता सकते कि पढ़ो 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 पढ़ो, आप ये करोगे वो करोगे. नहीं, आप टाइम बाय टाइम, सिर्फ एग्ज़ाम्स के दिनों में नहीं, टाइम टाइम पे उनको डिफरेंट डिफरेंट लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुना सकते हैं. आप अपने बच्चे की क्वालिटी पहचानें कि वो क्या कर सकता है, उसको उसके लिए मोटिवेट करें कि बेटा तुम्हें किसी से कम्पीट नहीं करना है, तुम्हें खुद से कम्पीट करना है. खुद से कम्पीट करो और वो करके दिखाओ जो तुम सबसे बेस्ट कर सकते हो. कोई बाउंडेशन नहीं है. किसी भी स्ट्रीम में जाने के लिए कभी बच्चे को फोर्स ना करें, उसे वो खुद चूज़ करने दें वो क्या करना चाहता है. अब बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ के बारे में. कुछ क्वेश्चंस थे कि हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, हम डाइट फॉलो भी करते हैं और साथ ही हम एक्सरसाइज भी करते हैं, कुछ टाइम तक वेट लूज़ हुआ लेकिन उसके बाद रुक जाता है, लूज़ होना बंद हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहीं ना कहीं तो हमारी डाइट में कुछ कमी होती है, या कई बार हम अपने आप से चीट करते हैं, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कैलोरीज़ को इनक्रीज़ कर देता है. सेकेंडली, हम स्ट्रेस लेते हैं. जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो चाहे फिर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका वेट लूज़ नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारे हॉर्मोन्स जो है उनका इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है. सो स्ट्रेस ना लें, रेस्ट दें. आपकी नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर स्लीप लें, एटलीस्ट 7 आवर्स. और मेनली चेंज योर एक्सरसाइज. जब एक ही तरह की एक्टिविटी आप रेगुलरली करते रहते हैं, मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं और आप काफ़ी टाइम तक, लाइक एक मंथ तक आप वॉक ही कर रहे हैं, तो एक मंथ के बाद आपकी बॉडी उसे अडेप्ट कर लेगी एज एक नॉर्मल एक्टिविटी, तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देगी. तो आपको चाहिए कि उसको चेंज कीजिए. आप थोड़ा थोड़ा रनिंग करना शुरू कीजिए, अपना रूट चेंज कर लीजिए. अप्स एंड डाउन्स हों जिस रूट में, आप वो वाला रूट चूज़ कर सकते हैं. कोई और अदर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, वेट ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए. मतलब अपनी एक्सरसाइज को एवरी 2 वीक्स के बाद आपको चेंज करना है. इसी तरह से अपनी डाइट को भी चेंज करना है. कभी आपने कार्ब्स ज़्यादा ले लिए, कभी आपने कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिए, कभी आपने कार्ब्स कम ले लिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी, कभी हेल्दी फैट लेना शुरू कर दिए. मतलब इस तरह से बैलेंस करते हुए और साथ ही अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को चेंज करते हुए चलना है, तभी आपका वेट कंटिन्यूसली लूज़ होगा. कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि
जो रिलेशन मेरा आज अपनी फैमिली के साथ यानी अपने इन लॉज के साथ है, क्या हमेशा से वैसा ही था? यानी कि इन स्टार्टिंग भी क्या मैं ऐसे ही थी या कोई प्रॉब्लम आई मुझे, स्टार्टिंग में मैंने कैसे मैनेज किया? तो मेरी क्या बात है, कोई भी लड़की जब स्टार्टिंग में अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो उसको होती ही है, किसी को थोड़ी होती है, किसी को ज़्यादा होती है। वो आपके पेशेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आप डिफरेंट फैमिली से आए हो, टोटली वहाँ पर डिफरेंट लोग हैं आगे जो आपको मिले हैं, उनकी सोच, उनका बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल सब कुछ डिफरेंट होता है, तो आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम सिर्फ आपको नहीं लगता है, उस फैमिली को भी लगता है आपके साथ एडजस्ट करने में। उनके लिए भी आप एक नया मेंबर हो उस फैमिली का, तो आपकी भी नेचर अलग है उनके अकॉर्डिंगली, आपका भी लाइफस्टाइल डिफरेंट है उनके अकॉर्डिंगली, तो आपको उनके साथ एडजस्ट करने में और उनको आपके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। और अगर फैमिली में कुछ मैच्योर लोग हैं तो वो टाइम देंगे। और लड़की को भी ये चाहिए कि हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये सोचें कि मैं एक डिफरेंट फैमिली में आई हूँ और मुझे आके यहाँ पे सेटल होना है। अगर हम जाते ही ये सोचेंगे कि नहीं, ये लोग मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं, मुझे इन सबको छोड़ छाड़ के कहीं और भाग जाना है, तो वो फिर एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आपने क्विट कर दिया है, गिवअप कर दिया पहले ही, तो फिर उसका कोई सलूशन नहीं है। अगर आप चाहती हैं फैमिली में, क्योंकि फैमिली में रहने का एक अलग ही मज़ा होता है, कहाँ आप दो लोगों के साथ रह रहे हो, कहाँ आप चार लोगों के साथ रह रहे हो, बाकी अपना अपना नेचर। मैं जहाँ से आई थी वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी रौनक घर में और हंसी खुशी का माहौल, बातें करते रहना। यहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंस मुझे ये लगा था कि ज़्यादा मेंबर नहीं थे और ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। जैसे मैं कहूँ कि जिस तरह से मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाली थी, उतना नहीं बोलते थे, तो थोड़ा चुप चुप रहती थी, थोड़ा ऑब्जर्व किया काफ़ी टाइम तक चीज़ों को। कुछ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली चलती थी, कुछ उनके अकॉर्डिंगली। तो बात टोटल मिला के ये है कि कुछ मैंने अपनी मनवाई और कुछ मैंने उनकी मानी, तो बस गाड़ी चल पड़ी और अब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं, पहले पहले टाइम लगता है एक दूसरे को जानने में, लेकिन अब एक दूसरे की नेचर को अच्छे से जानते हैं। आप तो एक दूसरे का इशारा भी समझ जाते हैं, कौन कैसे मूड में है, आप तो एक दूसरे के मन की बात भी जान जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे मैंने जॉब नहीं की है, तो क्या कल को मैं अपने बच्चों को भी यही गाइड करूँगी कि वो जॉब ना करके घर पर बैठें और फ्री रहें और अपने बच्चों की परवरिश करें? देखिए, जो सिचुएशन मेरी थी या जो थिंकिंग मेरी थी, मैं अपनी थिंकिंग को अपने बच्चों के ऊपर थोप नहीं सकती हूँ। वो उनकी चॉइस है, वो उनकी लाइफ है, उन पे कैसी सिचुएशंस आती हैं और वो कैसे उनको हैंडल करते हैं, उन्होंने देखा है कि उनकी मम्मा ने उनको कितना टाइम दिया। मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जितना टाइम मैंने उनको दिया है, अगर उतना नहीं तो फिर भी अपना मैक्सिमम टाइम वो अपने बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों की सिर्फ परवरिश होना ही ज़रूरी नहीं होता, बच्चों की सही परवरिश होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उसके लिए हमें उनको टाइम देना ही पड़ेगा। फिर वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसी जॉब चूज़ करते हैं। आप अगर आपको जॉब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होती ही है, तो आप पार्ट टाइम जॉब चूज़ कर सकते हैं या फिर घर से ही कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप घर और बच्चे और अपनी जॉब तीनों चीज़ों को अच्छे से संभाल पाएं। बाकी कल को उन पे क्या सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन में अगर वो मेरी एडवाइस मांगेंगे, तो मुझे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो सही लगेगा वो मैं उनको गाइड करूँगी, बाकी आगे उनकी मर्जी। अब आते हैं मेन एंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो है नेगेटिविटी पे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस पे कि नेगेटिव पीपल से कैसे डील करें, घर से नेगेटिविटी को कैसे भगाएं, खुद का माइंड कई बार नेगेटिव हो जाता है तो उसको कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत बार मैंने इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई किया है बहुत सारे लोगों को, वीडियो भी बनाई है हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में पूरी उम्र चलती हैं। नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, नेगेटिव बातें हो सकती हैं, कुछ भी हमेशा चलता रहेगा। आप ये कभी नहीं कर सकते कि ये नेगेटिविटी मैंने अपनी लाइफ से हमेशा के लिए हटा दी, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। दोनों चीज़ें चलेंगी, आपको उनके साथ बैलेंस करके चलना आना चाहिए। उसका इफ़ेक्ट आप अपने ऊपर कितना होने देते हैं वो आपके कंट्रोल में है। कब कोई कौन सी बात करेगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सोल्यूशन इसके दो ही हैं। एक तो ये है कि आपके अंदर इतना हौसला और हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन को या उन लोगों की बातों को चेंज कर सकें। अगर आप में चेंज करने की क्वालिटी है तो आप उन्हें चेंज कर दें। चेंज नहीं कर सकते तो फिर उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसा ही रहेगा।
जितने भी नेगेटिव लोग हमारे अराउंड होते हैं वो हमारी वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं या हमारे घर में ही हो सकते हैं ऐसे फैमिली मेम्बर्स, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप उन पर तरस खा सकते हैं और शुक्र कर सकते हैं कि कुदरत ने आपको ऐसा नहीं बनाया। किसी की भी इंसल्ट करना बहुत ईजी होता है, इज्जत करना ही मुश्किल होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबकी इज्जत करें, सबको रिस्पेक्ट दें, सबको प्यार दें, लेकिन हर कोई वो चीज़ डिज़र्व नहीं करता है। पहली बात ये कहूँगी, जब भी कभी नेगेटिव बातें कहीं पे हो रही हैं और आप उसका पार्ट बनना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ से हट जाइए, अपने रूम में चले जाइए, बाहर चले जाइए, कुछ भी कीजिए लेकिन उस एरिया से दूर हो जाइए ताकि वो नेगेटिविटी आप तक ना पहुँचे। ख़त्म। दूसरी चीज़, जब भी नेगेटिव कोई आपको बोलता है, एक होता है कोई बहुत ही डिसेंट वर्ड्स में, बहुत ही अच्छे वर्ड्स में आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो आपकी गलतियां आपको बता रहा है, बहुत ज़रूरी होता है ऐसे लोगों की बात सुनना, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसे लोगों को आप रिप्लाई भी बहुत प्यार से ही करें। अगर उनका क्रिटिसाइज़ करना आपको यूज़लेस लगता है, आपको लगता है कि खामखा ही उन्होंने हमें टोक दिया है या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे करें, लेकिन बैड वर्ड्स का यूज़ उनके लिए ना करें जो आपके साथ प्यार से बात कर रहे हैं, यानी कि प्यार से आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ख़त्म। तीसरी चीज़, कुछ लोग ये होते हैं कि टारगेट करते हैं, टारगेट वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, वर्किंग प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं या आपके घर में हो सकते हैं, जो आपको टारगेट करते हैं इंसल्ट करने के लिए, मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको इंसल्ट करते हैं। मुझे बहुत बार लोगों ने ये लिखा है कि हम कितना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें टारगेट किया जाता है, हमें बार बार इंसल्ट किया जाता है, जो हमें बहुत हर्ट करता है। ऑब्वियसली हर्ट करेगा ही करेगा, कोई भी ह्यूमन बींग, मैं हूँ कि मैं भी हर्ट होती हूँ, लेकिन उसका इफ़ेक्ट मुझे कितना टाइम तक रखना है अपने पे। अगर मुझे ये पता है कि एक बात को, कोई भी नेगेटिव बात मुझे किसी ने बोली है, मुझे वो अच्छी नहीं लगी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मैं अपने ब्रेन पे एक लंबे टाइम तक, यानी कि 15 से 20 दिन तक मैं उस चीज़ के बारे में सोचती रहूँगी, डिप्रेशन की स्टेज में चली जाऊँगी, और अगर मुझे ये पता होते हुए भी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, मैं खुद का हार्म कर रही हूँ। जिसने जो बोलना था उसने बोला और वो चला गया, अब वो शायद इस बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा है, और मैं सोच रही हूँ ये मेरी बेवकूफ़ी है। या तो मैं उस चीज़ को चेंज कर सकूँ, या तो मैं उसको उसका रिप्लाई दे सकूँ, देन ओके, अगर नहीं दे सकती इग्नोर करो। आप इग्नोर करें ऐसे लोगों को, आप चुप हो जाएं, डिज़र्व ही नहीं करते वो लोग आपकी लाइफ में रहना, पहली बात, जो आपको हर्ट करते हैं, क्योंकि वो फैमिली का और रिलेशन की वैल्यू ही नहीं समझते जो लोग आपको इस तरह से बार बार हर्ट करते हैं। उन्हें नहीं पता कि फैमिली क्या होती है, उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनको क्यों नहीं पता, क्योंकि उनको फैमिली से ज़्यादा, रिलेशन से ज़्यादा उनकी ईगो बड़ी है, और जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं उनके लिए किसी और चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते रहना, और ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली उन लोगों से दूर हो जाना ही सलूशन है। दिल से, एक ही घर में रहते हुए दिल से आप उन लोगों को दूर कर सकते हैं, उनके अराउंड ना रहें, उनसे ज़्यादा बात ना करें, भी कोई बात करें तो बहुत ही मतलब की बात करें, ज़्यादा रिप्लाई ना करें, इग्नोर करें, चुप्पी में बहुत ताकत होती है, मैं सिंपली जानती हूँ। आप अब इग्नोर करते करते भी उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि आपकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप बस चुपचाप ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, उनको बोलने दें और आप सुनते रहें, बिल्कुल रिएक्ट ना करें। ह्यूमन माइंड है, हमारे भी इमोशंस हैं, रिएक्शन आता है, एक्शन का रिएक्शन आएगा ही आएगा। आपने रिएक्ट कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने भी सेम वे में रिएक्ट किया तो फिर आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इज्जत करें ज़रूर, लेकिन इज़्ज़त उतनी ही दें ताकि आपकी खुद की इज्जत ना जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी इज्जत भी करवाएं, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों को इज्जत देते देते हमेशा खुद को हर्ट ना करते रहें। नेगेटिव लोगों से डील करना मेरे ख्याल से बहुत ईजी होता है, आपको करना आना चाहिए। सिंपल फार्मूला है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर।
जितना आप उनको इग्नोर करेंगे, आप उनको ये जताएंगे कि उनके होने ना होने से आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही वो जल्दी समझेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन रिलेशन सिर्फ एक साइड से नहीं बनते हैं, दोनों साइड से बनते हैं। पूरी फैमिली चाहे, दोनों साइड से दोनों लोग चाहें कि रिलेशन को बनाना है और इसको मेंटेन करके रखना है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक की नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूँगी कि अपनी कमियों को भी पहचानें। कई बार होता ये है कि हम दूसरों को पॉइंट आउट करते रहते हैं, लेकिन हम में भी कुछ कमियाँ होती हैं, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो पहले खुद को देखें, किसी को भी टारगेट करने से पहले खुद को देखें कि कहीं आप तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, जाने अनजाने कुछ आप ऐसा तो नहीं कर रहे जो दूसरों को पहले हर्ट कर रहा है, फिर वापस में रिएक्शन में वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, या पास्ट में कोई ऐसी बात आपने किसी के साथ की हुई है जिसका बदला वो आपसे ले रहा है या कोई रिएक्शन दे रहा है आपको। तो पहले खुद की कमियां भी पहचानें, आप में भी ये कमी है तो पहले उसको ठीक करने की कोशिश करें और रिलेशंस को प्लीज़ बनाने की कोशिश करें। अगर वो रिलेशन आपको लगता है पूरी कोशिश करने के बाद भी वो रिलेशन नहीं बन सकता, तो दिल से दूर हो जाएं, स्ट्रेस ना लें, दिमाग परेशान ना करें, क्योंकि माइंड सेट रहेगा तो बॉडी भी सेट रहेगी, लाइफ अच्छी दिखेगी, ब्यूटीफुल दिखेगी और ज़िंदगी अच्छे से जीने की कला आएगी। बाकी कोई किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई थी तो वो मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, और जो भी क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं उनको मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।